हुसैन हुसैन अजमाइन अमाबाद فقط قال ابو عبد الله عليه الصلاه والسلام ان لقتل الحسين حراره في قلوب المؤمن لن تبرد ابدا ناظرین کرام آپ مسلسل امام حسین ٹی وی کی جانب سے اس شو کو دیکھ رہے ہیں اور اس شو کے عنوان سے آپ بخوبی واقف ہیں یہ شو اربعین حسینی کے عنوان سے ہے اب इस अरबईन हुसैनी की तफसील क्या बयान की जाए। ये अरबईन हुसैनी उस किताब का नाम है कि हर साल जिसमें एक नए वर्क का इजाफा हो रहा है। चंद साल पहले तक चंद अदद तक महदूद था, चंद खत्ते तक महदूद था, लेकिन अब इस अरबईन हुसैनी ने पूरी दुनिया की तवज्जो को अपनी तरफ मोड़ लिया है और हर साल एक नई कैफियत के साथ ये हमारे आपके दरमियान आता है। इस अरबईन हुसैनी के मौके पर हम अपने आप में एक नई कैफियत को देखते हैं, अपने आप में एक नए एहसास को देखते हैं। साल हर साल लोग इश्तियाक में रहते हैं कि कब अरबईन हुसैनी आए और हम दोबारा फिर इमाम के दर पर हाजिरी दें और इमाम के ज़ाहिरीन में अपना शुमार करवा सकें। अजीज़ों, ये अचानक नहीं हुआ, यकायक नहीं हुआ, बल्कि इस कैफियत को पैदा होने में कुछ साल तो लगे, लेकिन ये कैफियत पैदा हो गई। और शायद ये कैफियत पैदा होनी थी, क्यों? क्योंकि इमाम मासूम पहले ही फरमा चुके थे कि हुसैन की शहादत कोई आम शहादत ना तसव्वुर करो। ये वो शहादत है, आज से कबल सब बहुत सारी शहादतें गुजरी हैं, लेकिन उन शहादतों में और इस शहादत में एक फ़र्क है। वो शहादतें और थी, ये शहादत और है। वो शहादतें शहादतों का मकाम और था, इस शहादत का मकाम और है। ये शहादत कोई आम शहादत तो नहीं है। इस शहादत का एक छोटा सा असर ये है कि ये थोड़ा सा असर ये है, कुल्ले असर नहीं बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा असर ये है कि जिसको इमाम मासूम ने फरमा दिया था कि ये शहादत वो है कि जिसके सबब कुलूब मोमिन में एक हरारत पैदा होगी, एक गर्मी पैदा होगी। एक गर्मी, वो कौन सी गर्मी होगी? वो इनकलाब की गर्मी होगी, ज़माने को तगैर करने की गर्मी होगी। वो हरारत ऐसी हरारत होगी कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ मोड़ लेगी, पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ कर लेगी। आइए देखिए अरबईन हुसैनी ने क्या किया। आज उस हरारत को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया कि आओ देखो इस अरबईन हुसैनी को, हुसैन की उस शहादत को याद करो, हुसैन की उस कुर्बानी को याद करो। हुसैन की उस कुर्बानी ने इन लोगों के दरमियान में जो इन लोगों के दिलों में जो हरारत पैदा की है, वो हरारत किसी और की शहादत से हासिल नहीं हो सकती थी। अज़ीज़ो, इमाम हुसैन की शहादत फ़कत करबला तक नहीं थी, फ़कत करबला तक इमाम हुसैन का मकसद नहीं था। इमाम हुसैन का मकसद जो था वो अज़ीम था। अज़ीज़ो, शहादतें तो बहुत थी, लेकिन शहादतों का एक मकसद होता है और मकसद की बिना पे वो शहादत अपनी अजमत पाती है, उसकी अजमत बुलंद होती है।
जितना बुलंद मकसद होता है उतनी ही बुलंद शहादत होती जाती है। अज़ीज़ हुसैन का मकसद बुलंद था, हुसैन का मकसद ये था कि दीन बच जाए, ये दीन मिट ले ना पाए। तो अज़ीज़ हुसैन के इस बुलंद मकसद ने हुसैन की शहादत को बुलंद कर दिया, और हुसैन ने वो शहादत भी दी जो शायद रहते दुनिया तक कोई नहीं दे पाएगा। और हुसैन की शहादत फकत उस जमाने के लिए नहीं थी, हुसैन की शहादत हर जमाने के लिए थी। और उलमाए आज़म कहते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत फकत करबला तक नहीं थी, ये मुकदमा थी ज़हूर इमाम का, ये पेश खैमा थी ज़हूर इमाम की। यानी आप अगर ज़हूर इमाम और इमाम के नासिर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले करबला समझनी होगी, फलसफे करबला आप समझेंगे तब जाके आप नासिर इमाम महदी बनेंगे। देखिए अजीज़ों, इमाम हुसैन ने करबला में जो किया है वही बेअन ही इमाम ज़माना ने, इमाम ज़माना बाद ज़हूर करेंगे। इमाम हुसैन ने करबला में क्या किया था, इमाम हुसैन ने करबला में एक बीज बोया था, और वो बीज क्या था, करम का, जूद का, सखावत का, मैंने पहले भी बयान किया था इस चीज़ को, और आज वो समरावर हो गया। अजीज़ों, इमाम हुसैन ने एक और काम किया था, इमाम हुसैन ने लोगों को ये तवज्जो दिला दी थी कि देखो अगर वक्त रहते अपने वक्त के इमाम को न पहचाना और वक्त रहते अगर इमाम का साथ ना दिया तो तुम्हारे ज़माने में भी तुम्हारे इमाम के साथ यही सलूक हो जाएगा कि जो उस वक्त उस ज़माने के इमाम के साथ हुआ, जो इमाम हुसैन के साथ हुआ। यानी इमाम हुसैन आमादा कर रहे थे लोगों की फ़िक्रों को, एक तरफ इमाम हुसैन ने दीन और शरीयत बचाई, दूसरी तरफ लोगों को इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए तैयार कर दिया। देखिए इमाम हुसैन की जो तैयार शहादत है और करबलाए मुअल्ला का जो वाकया है ये आमादगी थी ज़हूर के लिए। देखिए ये सारी चीज़ें पेश खैमा थी, अब ज़हूर इमाम होने के बाद इन इसके जो तासुरात हैं वो ज़ाहिर होंगे। बाद ज़हूर क्या होगा, आइए अरबईन हुसैनी पे देखिए, बहुत सी झलकियाँ आपको बाद ज़हूर इमाम हुसैन, बाद ज़हूर इमाम ज़माना की बहुत सारी झलकियाँ आपको अरबईन हुसैनी पे देखने को मिलेंगी। अरबईन हुसैनी पे आइए देखिए बाद ज़हूर क्या होगा, बाद ज़हूर ये होगा कि तमाम उम्मतें, तमाम कौमें, तमाम मिल्लतें यकजा इकट्ठा हो जाएंगी, मुत्तहिद हो जाएंगे, उनमें कोई फ़र्क व तफरीक नहीं रहेगी। यही इमाम हुसैन ने करबला में भी किया था, तमाम कौमों को इकट्ठा किया, मिल्लत को इकट्ठा किया, हर एक जो भी इमाम हुसैन से मुत्तहिद हो गया अब वो अलग नहीं रहा, उसकी अपनी अलग कोई पहचान नहीं रही, अब वो हुसैनी हो गया था। आइए इस अरबईन हुसैनी के मंजर को देखिए, यहाँ पे कोई ईरान से आया है, कोई तुर्क से आया है, कोई हिंदुस्तान से आया है, कोई अमेरिका से आया है, मुख्तलिफ मुल्कों से इस मजमे में लोग आए हैं, शिरकत कर रहे हैं, लेकिन शिरकत जब तक इस मुल्क तक आए नहीं थे, इस अरबईन हुसैनी में शामिल नहीं हुए थे, तब तक सबकी अपनी अलग अलग शिनाख्त थी, कोई तुर्की था, कोई अमरीकी था, हर एक अपनी शिनाख्त लिए हुआ था। लेकिन यही अरबईन हुसैनी के मौके पर जब सब इकट्ठा हुए, सब के सब हुसैनी हो गए, सब के सब यकजान हो गए, यकसास हो गए। आप देखिए इसमें बिला तफरीक हर चीज़ हर एक के लिए मुहैया है। यहाँ पे आप देखिए मौकिब के लिए लोग वही खिदमत जो एक इराकी के लिए अंजाम देते हैं वही एक गैर इराकी के लिए भी अंजाम देते हैं, एक ईरानी के लिए जो खिदमत अंजाम देते हैं वही एक हिंदुस्तानी के लिए भी। यानी ये करम और मसावात का जो दर्स इमाम हुसैन ने दिया था और अरबईन हुसैनी पे उसकी जो झलक दिख रही है, ये अपने कमाल पर बाद ज़हूर इमाम ज़माना दिखेगी। यानी ये अपने कमाल तक जब पहुँचेगी और इसको अपने कमाल तक हमारा वक्त का इमाम पहुँचाएगा, बाद ज़हूर ये चीज़ कमाल पर पहुँच जाएगी। अब ज़हूर इमाम ज़माने के बाद कोई अलग मिल्लत का नहीं रहेगा, कोई अलग कौम का नहीं रहेगा, कोई अलग
माशरे का नहीं रहेगा, कोई अलग हद का नहीं रहेगा, हुदूद का नहीं रहेगा, कोई अलग मुल्क का नहीं रहेगा, सब यक हो जाएंगे। मसावात का दर्स दिया है इमाम हुसैन ने, और उस दर्स को बाद ज़हूर इमाम ज़माना आप मुलाहिजा करेंगे। देखिए अरबईन हुसैनी पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और अल्लाह ने भी अजब इंतज़ाम इमाम हुसैन के लिए किया है। ये इंतज़ाम इमाम हुसैन के अलावा किसी और के लिए शायद ना होगा, और अल्लाह ने भी किसी वली और नबी के लिए ये एहतमाम नहीं किया था। और मैंने बताया था कि ये खुद इमाम हुसैन के लिए जो एहतमाम किया है, ये अल्लाह ने उस कुर्बानी के अवज़ दिया था, जो कुर्बानी इमाम हुसैन के अलावा कोई नहीं देगा। तो अल्लाह ने जो एहतमाम इमाम हुसैन के लिए किया है, वो शायद खुद अपने लिए भी वो एहतमाम नहीं किया। आप देखें, मैं ये जुमला बड़ी एहतियात के साथ बयान कर रहा हूँ। देखिए, आप हज बैतुल्लाह अंजाम देते हैं, जब आप हज बैतुल्लाह अंजाम दे देते हैं तो हज बैतुल्लाह के कुछ मकासिद थे। जब हज वाजिब हुआ है तो उसके कुछ मकासिद थे, उसके मकासिदों में से एक मकासिद ये है कि जिसको कुरान में भी जिक्र किया था कि हम हज तुम पर इसलिए फ़र्ज कर रहे हैं ताकि तुम यहाँ पर जमा हो और अपने फ़ायदे हासिल कर सके। किस तरीके के फ़ायदे? कौमी, मिल्ली, इत्तेहादी, हर तरीके के मसाइल को आके यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपने मसाइल को हल करो और एक फ़ायदा हासिल करो यहाँ पर जमा हो करके। लेकिन अजीज़ों, हज तो हो रहा है लेकिन रूह हज अब ना रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह की मशीयत बदल गई, अल्लाह ने उस चीज़ को थोड़ी सी तब्दीली के साथ अरबईन हुसैनी में दे दिया। देखिए, अब कल तक जो चीज़ें हज से हमें लेनी थी, आज हम उसे अरबईन हुसैनी से ले रहे हैं। आज अरबईन हुसैनी पर जब सब लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तब एक दूसरे के मुनाफे, एक दूसरे के हदफ और एक दूसरे से फिक्री तबादले फिक्र हो रहा है, हर तरीके का तबादले फिक्र हो रहा है ताकि लोग एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें। हर तरीके का फ़ायदा, समाजी फ़ायदा, सियासी फ़ायदा, इक्तसादी फ़ायदा, हर तरीके का फ़ायदा, ये दुनिया भी फ़ायदा बता रहे हैं कि जो अरबईन हुसैनी पर लोग उठाते हैं, और बमुकाबले हज। यही वजह है कि अल्लाह ने देखे हज के मौके पर हज का जो सवाब दिया है वो एक अलग सवाब है। लेकिन इस ज़ियारत अरबईन के सिलसिले में जो इमाम आइमा अतहार की अहादीसें हैं, वो अहादीसें क्या है? वो अहादीसें कुछ इस तरह से है कि इस मशी पे चलने वाले का सवाब ये है कि हर एक कदम पे इंसान को एक एक नेकी मिलती है, एक उसकी बुराई ख़त्म होती है। मुख्तलिफ हदीसें, एक हदीस तो ये बयान करती है कि इंसान जैसे ही चलता है, कदम बढ़ाता है, तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अजीज़ों, यही तो ज़ियारत का एक अलग फ़लसफ़ा है। नहीं समझ में आता कि ज़ियारत में क्या राज पोशीदा है, कि अल्लाह ने वो चीज़ें इस ज़ियारत इमाम हुसैन को दी है जो शायद अल्लाह ने किसी और अमल के लिए नहीं दी। अजीब है रिवायत सरकार अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की, अल्लाह तमाम आमाल को अंजाम देने के बाद कहता है कि ऐ मेरे बंदे, ये अमाल अंजाम दो, अल्लाह तुम्हें मगफरत अता करेगा, अल्लाह तुम्हारे अमाल को कबूल करेगा तो तुम्हें ये अता करेगा। हर अमाल में कुछ इस तरीके के अल्फाज हैं, कुछ इस तरीके की शर्तें हैं, लेकिन अजब अंदाज है ज़ियारत इमाम हुसैन का, ज़ियारत अबा अब्दुल्ला का। नहीं समझ में आता कि इसका फ़लसफ़ा क्या है, राज क्या है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो ज़ियारत इमाम हुसैन करता है उसके गुनाह तो माफ़ कर दिए जाते हैं, और उसके नामे आमाल में नेकियां दर्ज तो कर दी जाती है, लेकिन सनद भी उसको मिलती है। किस चीज़ की सनद मिलती है? मकफूरीन, मुसलहीन, नाजहीन, फाइजीन। यानी इमाम का जो जुमला है, ये लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ पे आप गौर करें। यहाँ पे ये नहीं कहा कि अगर कोई शख्स ज़ियारत करेगा तो अल्लाह की मशीयत चाहे तो उसको नाजह कर दे, उसको कामयाब कर दे, उसको फायज कर दे। अल्लाह की मशीयत पे नहीं डिपेंड है, बल्कि अल्लाह उसको पहले ही से नाजह
फायज कर रहा है, कामयाब कर रहा है। ये अजब अंदाज है। तमाम आमाल करने के बाद देखें, सारे साल में सबसे ज्यादा अगर इंसान को किसी चीज का सवाब मिलता है तो उसके बारे में भी एक शर्त लगा दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे माह रमजान मुबारक में जब इंसान आमाल अंजाम देता है तो उसके आमाल, तमाम आमाल उससे रमजान में अंजाम दिए होते हैं। अंजाम देने के बाद अभी यकीन नहीं होता कि ये आमाल कबूल हुए हैं कि नहीं कबूल हुए। इसकी सनद का कब मिलेगी? जब ईद के मौके पर इंसान पढ़ता है कद अफलाहा मन तज़क्का, कि अनकरीब कामयाब वही होगा जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया। यहाँ पे एक शर्त लगा दी। देखिए माह रमजान के आमाल बहुत हैं और बहुत सारे सवाब हैं, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि ये सारे सवाब उसको हासिल होंगे कि जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया होगा, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया होगा। लेकिन अजब अंदाज है, मुझे नहीं समझ में आती हदीस, ये हदीस और ये कौले इमाम क्या है कि इमाम फरमा रहे हैं कि इंसान जैसे ही इस मशी पे निकलता है, कदम बढ़ाता है ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए, उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अब वो पाक हो गया, मुबर्रा हो गया, यानी अब उसके लिए ये शर्त नहीं है कि अब इंसान अपने नफ्स को पाक करेगा तो फिर उसको ये सवाब हासिल होगा, नहीं, उसके लिए शर्त नहीं है। लेकिन अजीजों दीगर आमाल के लिए शर्त है। इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए हत्ता, अब इस हदीस की इंतहा आप देखिए, इंतहा ये है कि अल्लाह एक मलक को मामूर करता है। जब इंसान ज़ियारत कर लेता है ना, तो अल्लाह एक मलक को मामूर कर देता है और मलक उससे निदा देता है। और निदा क्या देता है? निदा ये दे देता है कि ऐ बंदे, ये जो तूने अमल अंजाम दिया है, ज़ियारत अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम अंजाम दी है, तो ये तेरा अमल इस कदर अल्लाह के बारगाह में मकबूल है कि तुझे अल्लाह भी सलाम भेजता है, तुझ पर उसका रसूल भी सलाम भेजता है, और अल्लाह और रसूल ही नहीं फकत सलाम भेजते हैं, मलाइका भी सलाम भेजते हैं। और उसके बाद फरमाता है वो मलक कि ऐ मेरे बंदे, अल्लाह का रसूल तुझसे राजी है, और अब जा, तेरे नामे आमाल में जो कुछ था, जो कुछ बुराइयां थी, वो सब ख़त्म हो गई, यानी कि तो अब नया बन गया है, यानी उस तरीके से हो गया है कि जैसे अपनी माँ के शिकम से पैदा हुआ है। तेरे नामे आमाल में तेरी आज तक की हुई फकत नेकियां मौजूद है, कोई बुराइयां नहीं रह गई। इस्तानफिल अमल, यानी अपने अमल को दोबारा से शुरू करो, यानी कि अब जो तुम ज़ियारत इमाम हुसैन करके जा रहे हो, इस ज़ियारत के बाद अब तुम्हारे नामे आमाल में कोई बुराई नहीं रह गई। अजीजों क्या हुसैन ने कर दिया है मुझे नहीं पता। अल्लाह ने हुसैन को वो चीज़ें अता की है जो शायद किसी को अता नहीं की। अब आप देखिए इसकी बारीकियाँ देखिए, अल्लाह ने हुसैन को कैसे कैसे मकाम अता किए हैं, कैसी कैसी मंजिलत अता की है। हुसैन को छोड़िए, हुसैन के जायर को क्या क्या अता कर रहा है अल्लाह। अजीजों हुसैन के जायर को कुछ कम अता नहीं किया। अजीजों साल का आप चाहे कोई भी अमल अंजाम दे, कोई भी नेकी अंजाम दे, उस नेकी का सवाब तो बहुत है। और उनमें से एक मिसाल देते हैं, मिसाल के तौर पर लैलत कद्र, ये वो वक्त है लैलत कद्र जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है कि लैलत कद्र का सवाब बेशतर है, हजार हजार रातों के बराबर इसका सवाब है, हजार हजार महीनों के बराबर इसका सवाब है। लेकिन अजीजों ज़ियारत इमाम हुसैन से अगर इसका तकाबुल करें कि जिसका कुरान में अल्लाह इतनी फजीलत बयान कर रहा है, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन से इसका तकाबुल करें, तो लैलत कद्र वो है कि जो इतने अजीम सवाब रखने के बावजूद वो इंसान की हयात में शुमार होती है। लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जब कोई बंदा निकलता है तो ज़ियारत इमाम हुसैन उसकी हयात में शुमार नहीं होती, बल्कि ये वक्त ठहर जाता है। इंसान के नामे आमाल में फकत नेकियां देकर चला जाता है। दूसरी चीज़ आप मुकाबला करें लैलत कद्र से कि लैलत कद्र में तमाम तर इंसान आमाल अंजाम देता है, अंजाम देने के बाद जमानत नहीं रहती कि इंसान के आमाल कबूल हुए कि नहीं हुए, बल्कि अल्लाह की मशीयत पर मुतवक्किफ़ है। अजीज़ों आइए दुआ करते हैं कि हमको और आपको अल्लाह एक मरतबा फिर ज़ियारत
अरबईन से मुशर्रफ फरमाए, और हम ज्यारत कर दुआ उनके लिए भी करते हैं कि जो अब तक नहीं आए हैं। आजीजों, बसा औकात तौफीकात की कमी है, बसा औकात किसी न किसी उज्र की वजह से लोग नहीं आ सके। हम दुआ करेंगे उनके लिए कि वो आए और ज्यारत इमाम हुसैन से मुशर्रफ हों और इमाम हुसैन की ज्यारत करें। जिस तरीके से आज इस मजमे को आप देख रहे हैं, तो आने वाले सालों में वो हजरात जो इस शो को देख रहे हैं और इस शो को देखने के बावजूद अगर देख रहे हैं और अभी तक नहीं आए हैं ज्यारत पे, तो अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और वो भी इस गिरोह में शामिल होए। वो कौन सा गिरोह है? गिरोह नाजहीन, गिरोह फायजीन, कामयाब लोगों के गिरोह में वो शामिल हो जाए। अजीजों, इसका अजर कम नहीं है। ज्यारत इमाम हुसैन वो ज्यारत है कि जिसमें अजीजों फकत उम्र ही नहीं, मैंने अभी बयान किया ना कि उम्र नहीं, बल्कि ये इंसान के रिस्क में भी इजाफा करता है कि जब कोई इंसान ज्यारत इमाम हुसैन के लिए आता है तो ये उसके रिस्क में इजाफा करता है, ये उसकी हयात में इजाफा करता है। यानी अब इंसान की हयात जितनी महदूद थी उतनी महदूद नहीं है, बल्कि उसमें भी इजाफा होता है ज्यारत इमाम हुसैन के हुसैन से। और क्या क्या इसका अजर बताएं कि इसका एक अदना और चाहे तो इस अजर को सबसे बड़ा अजर बता सकते हैं कि हदीस मासूम में है। इंतहा बस इस हदीस पे मैं करना चाह रहा हूँ कि इमाम फरमाते हैं कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अरबईन, सुन रहे हैं ना, अरबईन 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 मतलब 40वां। अब सुनिए इस 40 के अदद से एक हदीस और सुन लीजिए कि जब इमाम हुसैन का ज़ाहिर जन्नत में जाएगा तो उस वो जन्नत में सबसे पहले जाने वालों में से होगा और उसके बकिया लोग उसके 40 साल के बाद जन्नत में जाएंगे और इस दौरान वो अपना मुहासबा कर रहे होंगे। ज़ाहिर इमाम हुसैन आम आदमी से 40 साल कबल जन्नत में दाखिल होगा। آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين حسين حسين